Thank you.
कीर्तन करना है यहाँ नहीं अंदर बोला श्री गुरुदेव जी की बहुत सुंदर अंदर लाइट चेंज कर दिया क्या हरे कृष्ण सुस्वागतम गुरु सुस्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम Guru Dev, 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 Guru Dev,
साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बधे पादाम्बुजायते नमः नाम भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपायनो गभरायते गौरवाविर्भावविष्टं निर्दिष्टा स्वजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जयतां सुरतोर्पङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपादाम्बज श्रीराधामदनमोहनौ दिव्यादवृन्दारण्यकल्पद्रुमाल श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्री श्रीराधा श्रीलघुविन्ददेवौ पृष्ठलिपिशिल्पमानुस्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीभटतटस्थिता कर्षण वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तुन बृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रजदेवि सत्यवतै नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम बिंदो दिया उसको पीछे पीछे भेजा करा दासे त्रिना पे क्या गुरुदेव कृपा बिंदो दिया करो दासे त्रिना पे कृपा बिंदो दिया करो Bye.
Thank you.
Thank you.
जय सचिनंदन बोलती जा रही। हाँ देखो, सची माँ का नाम सुने कि नहीं? सची माँ कौन थी? महाप्रभु की भैया का नाम। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते, श्री सचिनंदन गौर हरि मेरे हृदय में स्फूर्ति प्राप्त हो। कौन स्फूर्ति प्राप्त हो? बोले श्री सचिनंदन गौर हरि। बोले उन्होंने सचिनंदन गौर हरि को क्यों बोले? हमारे हृदय में स्फूर्ति प्राप्त होने के लिए कारण किया। बोले कारण है, कहते अगर माँ की गुण अगर बेटे में आए ना, वो बेटे को बड़ा सौभाग्यवान मान जाता है। अगर पिता का गुण अगर बेटी में आए, वो बेटी को सौभाग्यवान मानी जाती है। इसलिए कहते जो सच्ची माँ, जो महाप्रभु की जो माँ थी, कहते यशोदा माँ से भी ज़्यादा दयालु। क्योंकि कृष्ण जब मक्खन चोरी की और कृष्ण जब मटकी फोड़े, कृष्ण जब मिट्टी खाए ना, मैया ने क्या की? डांट लगाई, उनको शासन की। जब कृष्ण मिट्टी खाए, मैया ने किया की? जब सखाओं ने शिकायत किया, आज कृष्ण मिट्टी खा रहे, मैया गई सीधा कान को पकड़ी। किसको कान पकड़ी? किसको कान पकड़ी? विश्व ब्रह्मांड को जो कान पकड़ करके माया से जो उठाते हैं बैठाते हैं, आज मैया जो सीधा उसको कान को पकड़ी और क्या कह रहे हैं? बोले अपवित्र, तुमने आज मिट्टी खाई है? बोले अपवित्र, तुमने आज मिट्टी खाई है? अपवित्र भगवान को कह रहे हैं। लेकिन हम रोज रोज सवेर कहते ना, नमो अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाम गतो पिवा जह स्मरेत पुंडरीकाख्यम सवाया भयंकर। कहते जिनका नाम लेते ही हम बाहर भीतर दोनों से पवित्र हो जाते हैं, लेकिन आज मैया कह रहे तू अपवित्र, तुम झूठे हो, तुम चोर हो, हैं तुम चोर हो। विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है,
मैया कहती तो चोर हो, बोला तुमने आज मिट्टी क्यों खाई? कृष्णा तो एकदम सफेद झूठ बोलती, बोले मैया ना अहम भक्षित वानंबो सर्वे मिथ्या भी संसिनम, बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सखा सब झूठ बोल रहे। बोले तू एका सत्यवादी हरिश्चंदा सब झूठे हैं? बोले हाँ मैया मैं अकेला ही सत्यवादी हरिश्चंद्र सब झूठे हैं। बोले ताऊ तुम सही सही बताओ कान्हा ने मिट्टी खाई कि नहीं? बोला देव प्रभु कबा दे थी। बोले मैया अपना आंखों से मैं देखा मिट्टी खाते हुए। बोले अभी कहाँ जाएंगे? बोले मैया ये ताऊ भैया ना ऊपर से देखने में तो बड़े गोरो हैं लेकिन अंदर में बड़े कारे हैं, और मैं तो ऊपर से कारा हूँ लेकिन अंदर में बड़े गोरो हूँ। इसका मतलब क्या है? कहते श्री बलदेव प्रभु ऊपर में तो गोरे लेकिन अंदर में काले। आप ब्रज में जाओगे ना कहीं भी बलदेव प्रभु को गोरे नहीं देखोगे, सब जगह में काले काले देखोगे। बलदेव प्रभु काले क्यों है? इसलिए जब बलदेव प्रभु ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए ब्रज में आए, अभी कृष्ण चिंता करते 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 कृष्ण विरह में बलदेव प्रभु काले हो गए। इसलिए जहां देखोगे प्राय करके बलदेव प्रभु आपको काले ही देखेगा। इसलिए क्योंकि कृष्ण चिंता निवेश है न जैसे कातिर विलोपिता, इसलिए कृष्ण चिंतन करते करते बलदेव प्रभु काले हो गए। इसलिए कृष्ण कहते मैया दाव भैया ऊपर तो बड़े गोरो है लेकिन अंदर में काले है, लेकिन ऊपर तो मैं काला हूँ लेकिन अंदर में मैं गोरो हूँ। बोले क्यों? बोले कहते आत्मा तो राधिका है वो। बोले कृष्ण का आत्मा कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी। हर समय में अपना हृदय में श्री राधा रानी को मैं हृदय में धारण करता हूँ लेकिन अंदर में बड़े गोरो हूँ, लेकिन दाव भैया बड़े कारे हैं, ये बड़े कारे हैं। बोले ये सखा सब झूठ बोल। बोले मैया पता नहीं सवेरे उठकर किसका मुंह मैंने देख लिया, कहते ना किसकी किस गंदे व्यक्ति का मुंह देखो तो दिन भर तुम्हारी है बुरा जाते, पता नहीं सवेरे किसका उठकर किसना कितना मैंने किसका मैंने मुंह देखा, ये सबके सब इकट्ठे हो गए। बोले मैया क्या भय तेरे को पता है? बोले क्या भय हो? बोले ये सखा लोग अपना घर से लड्डू कचौड़ी मालपुआ और पोस बड़ा सबके सब क्या करते सबके सब चोरी करके लाते हैं। मैया तेरे को पता होगा मैं तो चोरी का चीज खाता ही नहीं। मैया बोले अच्छे तरह से पता तू क्या करता नहीं करता, क्योंकि हर माता को अपना बच्चे का करतूत हर माताओं को पता रहता है। बोले लाला करता है क्या? बोले ये सबके सब घर से चोरी चोरी करके लाते हैं और कहते तू खा, तुम्हें तो खाता ही नहीं। मैंने खाया नहीं, ये सब बांट कुटेरे खा लिए, समझ गए हाँ ये तो खाया नहीं, ये जा करके जरूर हमारे मैया के पास में शिकायत चुगली करेगा, ये सबके सब घर से चोरी करके लाते और मैं चुगली करने से पहले ये सब तुम्हारे पास में चुगली कर दी हैं सब। और एक बात श्री सूरदास जी कहते हैं मैं ये सखाओं के साथ में लड़ रहा था, लड़ते लड़ते क्या होगा मैंने सबको मैंने परास्त कर दी, जब कोई भी मेरे साथ में टीक नहीं सके बोले इसको कैसे दंड देंगे, और सबके सब तेरे पास में शिकायत कर दिए और तू इनकी बात जल्दी सुनती हो, मेरे बात तो सुनते नहीं। इतने में कृष्ण ने सोचा अगर मैं मैया को बोलूं अगर मैंने मिट्टी खाया तो मुंह से तो मिट्टी खाया, इसलिए तुम मेरा मुंह खोल कर देख ले, हो सकता है मैया मान जाएगी, हो सकता है मैया मान जाएगी। बोले मैया मेरे मुंह देख ले। लेकिन मैया छोड़ने वाले थोड़ी है। बोले दिखा मैं तेरे मुंह देखना चाहता हूँ। बड़ी जोर से फटकरा ना, इतने में डर को मारे कृष्ण का मुंह तो झट खुल गया। जब कृष्ण का मुंह झट खुल गया लेकिन मिट्टी तो खाए, अभी मुंह में मिट्टी लगा हुआ, मैया एक हाथ से कान पकड़ कर रखी दूसरे हाथ में लटिया है। इतने में कृष्ण सोच रहे हैं अगर मेरे मुंह में मैया अगर मिट्टी देख लिया, हाथ में डंडा एक नीचे सब पीछे पीठ के ऊपर गिरेगा है, अभी पीठ के ऊपर गिरेगा। अभी कृष्ण क्या सोच रहे हैं मैं बचू कैसे? मैं देखो यहाँ पर ये चीज को समझो, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं लीला वैसे प्रभुर नाही देहानुसंधान, इच्छा जानी जोग माया करे समाधान। समझ रहे हो? अच्छे तरह से ये चीज को समझो, ये जोग माया क्या करती है, ये चीज़ को अच्छे तरह से दिमाग में बैठाओ। बोले लीला वैसे प्रभुर नाही देहानुसंधान, भगवान अपना लीला में आविष्ट रहते हैं इसलिए उनका शरीर का हुदूद ठाकुर को नहीं रहता है, लेकिन इच्छा जानी जोग माया करे समाधान, भगवान की सारे लीला को पुष्टि करने वाले कौन? ये जोग माया। इनके बगैर ठाकुर की जो ब्रज में जो मालिक है ये जोग माया, कृष्ण नहीं है, कृष्ण नहीं, ये जोग माया।
क्योंकि अगर कृष्ण को अगर ये पता चले मैं भगवान हूँ, विश्व ब्रह्मांड का मैं मालिक हूँ, जिनकी एक एक लोक में अनंत करोड़ों विश्व ब्रह्मांड विद्यमान, फिर प्रभु का लीला होगा नहीं, बात्सल्य लीला हो ही नहीं सकते। अगर हर समय उनकी स्फूर्ति रहे विश्व ब्रह्मांड का मालिक, मैया कान पकड़ सकती है, मैया कान पकड़ सकती है। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये हनुमान कभी ब्रज में घुस नहीं सकते, ये हनुमान ब्रज में घुस नहीं सकते। क्यों? अगर हनुमान जी घुसे ना, अगर देखे मैया कान्हा का कान पकड़ कर रखे, हनुमान जी गद्दा उठाकर मारेंगे गद्दा, बोले मेरे प्रभु का कान तो पकड़ कर रखी हो, हाँ मेरे प्रभु के विश्व ब्रह्मांड को जो उठाने बैठाने वाले, और मेरे प्रभु को तो कान पकड़ कर रखी हो। इसलिए गुरु जी कहते थे ब्रज में हनुमान का प्रवेश नहीं है, केवल ब्रजवासियों का ही, ये ब्रज में केवल ब्रजवासियों को, केवल इनका प्रवेश और किसका प्रवेश नहीं है, हैं? इसलिए अभी जो जोग माया, अभी कृष्ण कहते कृष्ण की इच्छा जान करके, ये जोग माया सारे काम को कृष्ण की इच्छा को समझ करके सारे समाधान कर रहे। जोग माया कृष्ण की क्या इच्छा है? कृष्ण की क्या इच्छा है? कृष्ण की ये इच्छा है मैया मेरे को मारे नहीं। मैया का हाथ में लटिया है, अभी एक हाथ में कान पकड़ रखी, मुंह में लगा हुआ मिट्टी है, अभी अगर देख लिया तो मैया भी डंडा पड़ेगी मेरे ऊपर, इसलिए मैया मेरे को मारे नहीं, ये कृष्ण की इच्छा। लेकिन कृष्ण की इच्छा की जानते समझ करके जोग मैया क्या की, अगर मैं रहते हुए अगर मेरे प्रभु अगर पीट गए तो मैं जो जोग माया हूं प्रभु की लीला को मैं सब करने वाले, फिर मेरे ऊपर दोष लग जाएगा। इतने में जोग माया लीला शक्ति ने किया कि झट कृष्ण की छोटे से मुंह में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने दिखा दिया, कितने नदी, कितने पर्वत, कितने ग्रह नक्षत्र, कितने ब्रह्मा, कितने शंकर, चंद्र, सूर्य, मैया खुद को खुद अंदर में देख रही थी, हैं? देख रही थी खुद को खुद। इतने में तो मैया देख करके डर गई, हो ना हो मेरे लाला भगवान तो नहीं, हो ना हो मेरे लाला भगवान तो मेरे लाला नहीं। अभी जब कृष्ण मैया के मन में ये भावना आ गई, विश्व ब्रह्मांड किसके मुंह में? भगवान के मुंह में विश्व ब्रह्मांड रहता है। अगर मैया को पता चलेगा अगर मैं भगवान, फिर मैया क्या करेगी? जैसे अपना सालग्राम के लिए छोटी सी एक मंदिर उन्होंने बना करके रखी, और भगवान को क्या करती है, माता से थोड़ा खीर भोग लगा देती है और घंटी हिला करके, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्यां द्रविणा तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। जैसे मैया बास बोल करके खीर नेत्रा मिठाई भोग लगा कर कृष्ण क्या करती है, सालग्राम को दरवाजा बंद कर देती है। इसलिए कृष्ण सोच रहे अगर मैया को पता चला गया मैं भगवान हूँ, फिर क्या करेगा, मेरे लिए भी एक छोटी सी मंदिर बना देगी और मंदिर में मेरे को बंद कर देगी, और थोड़ा दूध नहीं तो बतासा भोग लगा करके तुम्हें वो माता पिता जो बोल क्या करेगी, वो दरवाजा को बंद कर देगी। फिर मैं क्या करूँगी, ये सखाओं के साथ में मैं जो लीला करता हूँ, फिर ये लीला का मैं नहीं कर सकता हूँ। कृष्ण के मन में ये इच्छा है। अभी कृष्ण के मन की ये भावना को समझ करके जोग माया ने किया कि बोले मैंने तो ब्रह्मांड रूप दिखा दिया, लेकिन गड़बड़ी हो गई। बोले क्या गड़बड़ी हो गई? मैया के मन में शंका आ गई। अभी कृष्ण सोच रहे मेरे को मंदिर में बंद नहीं कर दे। अभी फिर कृष्ण की ये इच्छा को जान करके जोग माया क्या करती है, सारे को सारे लीलाओं को वो अंतर ध्यान कर देती है। फिर देखती है वही छोटा सा मुंह, कुछ वहां पर कुछ नहीं है, छोटी सी मुंह है, छोटी सी मुंह है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अभी कृष्ण मिट्टी खाए थे कि नहीं, बोलो कृष्ण मिट्टी खाए कि नहीं, खाए थे कि कृष्ण खाए थे ना, लेकिन ये कृष्ण यहाँ झूठ कैसे बोले, मैंने मिट्टी नहीं खाया, कृष्ण झूठ बोले ना, सारा दुनिया क्या बोलेगा, क्या भगवान जब झूठ बोलते कोई दोष नहीं, जब हम झूठ बोलते हमारे ऊपर जो दोष है, लोग ये बोलेंगे ना कृष्ण जब झूठ बोले फिर उनका कोई दोष नहीं, हमारे ऊपर सारे दोष ही है, लोग उनको ऊपर लांछना लगाएंगे। इसलिए यहाँ पर श्री वल्लभाचार्य कहते हैं भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि भागवत का जो प्रथम श्लोक है उसमें कहते हैं सत्यं परम धीमहि, वो परम सत्य को हम ध्यान करते हैं। और जब देवकी गर्भ में ठाकुर जी आए, वहां पर ब्रह्मा शंकर इंद्र चंद्र जितने सारे देवता एक साथ में एकत्रित होकर के
बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य स ज्योनि निहितम च सत्य सत्य स सत्य अमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मक त्वाम शरणम प्रपति। ये 33 करोड़ देवता कहते हैं भगवान कृष्ण कौन है, ये परम सत्य है, उनका धाम सत्य, उनका भक्त सत्य, उनकी वाक्य सत्य, उनकी सबके सब सत्य 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 सत्य। जब भगवान सत्य है फिर भगवान झूठ कैसे बोलेंगे, भगवान फिर झूठ कैसे बोलेंगे, भगवान तो कोई झूठ बोल ही नहीं सकते। ठाकुर अगर वो झूठा बोलेंगे तो सारा विश्व ब्रह्मांड ही झूठा हो जाएगा। फिर यहाँ पर तो दिखाई पड़ता है ठाकुर जी झूठ बोले, कृष्ण पूरा पूरा मिट्टी खा लिए। मैया जो पूछ रहे तुमने मिट्टी खाई, कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई, तो भगवान भूत कैसे झूठ बोलती। तो उन्होंने उन्होंने दो उदाहरण दे करके समझाए कृष्ण कैसे झूठ नहीं बोले। पहला उदाहरण दिया है, आप बताओ खाना किसको कहते हैं, जब हमसे कोई चीज अलग हो ना उसको खाना कहते हैं। जैसे हमारे हमसे कोई चीज अलग हो हम खाते हैं उसको तो खाना कहेंगे ना, लेकिन कृष्ण तो मुंह को अंदर विश्व ब्रह्मांड को दिखा दिया। भले मैया तुम मिट्टी की क्या बात कर रहे हो, विश्व ब्रह्मांड तो मेरे अंदर में है। जब भगवान के अंदर में विश्व ब्रह्मांड है तो भगवान खाए कैसे, खाए नहीं, दुनिया तो उन्हीं के अंदर। ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर बताते हैं, ये संस्कृत शब्द है ना अहम भक्षितवानम वो, इसको जो संधि करते हैं ना वो हो जाता है ना अहम, मतलब मैं नहीं मिट्टी खाई, एक अर्थ हो गया। लेकिन जब ये शब्द को अलग नहीं करके जब एक ही शब्द रखते हैं वो होता है नाम। ये नाम का एक अर्थ होता है ब्रह्मांड। इसलिए कहते मैया तो मिट्टी की क्या बात करती हो, ये विश्व ब्रह्मांड तो मैंने खा करके रखा, तुमको विश्वास नहीं हो रहे, देख मेरे मुंह देख ले। इसलिए जब उन्होंने मुंह खोले विश्व ब्रह्मांड को, भगवान के मुंह में विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने दिखा दिया है। इसलिए यहाँ पर कृष्ण मिट्टी खा करके भगवान कहते हैं, बोले मैया तो ये सोच रही हो मिट्टी मैंने अकेले खाया, नहीं मैया ये जो ब्रज रज है ना श्री, हाँ कहते श्री कहते हैं अगर वृंदावन में जाओ तो हैं कहते श्री कहते इसमें वृंदावन में जाओ तो दो काम तो तुमको करनी चाहिए हैं। कहते दो काम क्या, बोले रमण और लेती लेट और नहीं कियो ना जमुना पान। ब्रज में दो चीज जरूर करो, जाओ तो जरूर जमुना में आचमन करो। क्यों, जमुना कौन है, भगवान की पटरानी, ये विशाखा राधा कृष्ण का प्रेम ही पानी रूप में द्रवीभूत रूप में बह रही है, जो भगवान की ये भक्ति प्रेम देने वाली। जमुना में जरूर स्नान करो और क्या करो, रमण रेती लेट नहीं, जहां पर भगवान ने लीला की है और रमण रेती में जरूर जाकर लोट पोट वहां पर खानी चाहिए। अगर ये काम नहीं किया तो हैं यहाँ पर कहते रे मन तू क्या समझो ब्रज की तत्व महान। कहते अगर दो चीज नहीं करोगे ना फिर ब्रज की महत्व को तुम समझ नहीं सकते हो, इसलिए दो काम जरूर जाकर के ब्रज में करनी चाहिए। इसलिए ये जो ब्रज रज है ये कोई साधारण भूमि नहीं, ये ब्रजवासियों का चरण धूलि है। जिस ब्रजवासियों का चरण धूलि को ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी जिनकी चरण धूलि की जहाँ पर उन्होंने पत्थर जन्म लेना चाहते हैं ब्रह्मा जी, बोले क्यों अगर ये ब्रजवासी बा ब्रज के छोटे जाति लोग मेरे को अगर पत्थर मान करके चरण रगड़ेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, इसलिए पत्थर जन्म लेना चाहते हैं। उद्धव जैसे व्यक्ति भी वहां की घास भूसा रूप में जन्म लेना चाहते हैं। भोले बाबा शंकर भी हैं वो ब्रज की इतने महत्व, जहाँ शंकर भी जहाँ प्रवेश नहीं कर पाए, उन्होंने गोपी रूप धारण करके आए लेकिन गोपियों ने उसको निकाल दिया वहां से जहाँ चौकीदारी कर रहे श्री भोले बाबा। कहते श्री लक्ष्मी अभी भी बेलवन में बैठ करके तपस्या कर रही हैं ये ब्रज में प्रवेश पाने के लिए। इसलिए कृष्ण कहते मैया तू ये सोच रही हो ये ब्रज रज को मैंने अकेला पाया, नहीं मैया देख ले ये विश्व ब्रह्मांड को मैंने ये ब्रज रज मैंने ये विश्व ब्रह्मांड को मैंने दिया, तू देख ले मुंह खोल करके सचमुच से देखा विश्व ब्रह्मांड भगवान के अंदर में, क्योंकि दुनिया भगवान की ब्रज रज के लिए सब दुनिया तरसते हैं। मैं किस लिए इस बात बताया, सचिनंदन को हरि की बात कर रहे हैं, सचिनंदन का याद दादा, इसलिए हम कह रहे हैं सचिनंदन जय गौर हरि की जय, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। इसलिए हम कहते ना सचिनंदन गौर हरि, सची मैया बड़े दयालु, जैसे मैया जसोदा ने कृष्ण को कान बोल दिए हैं, जब उन्होंने मक्खन खाई तब भी मैया ने कान बोल दी,
जब कृष्ण ने मटकी फोड़े मैया ने किया कि उखल में बांध दी, लेकिन जो सच्ची माँ है ना, एक दिन महाप्रभु रोज यमुना में स्नान गंगा में नहाने के लिए जाते थे जब स्कूल से आते थे, और रोज मैया उनके लिए गंगा पूजा के लिए सामग्री देती थी। एक दिन महाप्रभु आए स्कूल से, बोले मैया मेरे को पूजा की सामग्री दो, फूल फल दो, मैं गंगा में गंगा की पूजा करने के लिए जाऊंगा। मैया ने बेटा थोड़ी सी इंतजार कर, मैं ला रहा हूँ। बोले इंतजार करो, अभी तक तुमने नहाई नहीं, लाई नहीं। महाप्रभु को इतना क्रोध आया, उठाया कि डंडा, और जितने मटकी फटकी थी ना वहाँ पर, हाँ जितना हाड़ी फाड़ी को जिसमें रसोई पहले तो हाड़ी में बनती थी, सब फोड़ फाड़ दी। लेकिन मैया सची ने कुछ भी नहीं बोले, एकदम चुपचाप खड़ी रही। हैं, जब सब कुछ उन्होंने क्रोध उनका शांत हुआ तब मैया समझा रही, बोले लाला तुमने जो मटकी फटकी फोड़ी है हाड़ी, अभी ठाकुर का रसोई कैसे बनेगा, ठाकुर जी की रसोई कैसे बनेगी, तुमने सब तो फोड़ दिया। लेकिन मैया ने किया कि एक मटकी फोड़ी तो पूरा उखल में बांध दी, उखल में मैया ने बांध दी। लेकिन सची मैया इतने दयालु महाप्रभु की माँ, कुछ भी करने पर भी माँ ने कुछ महाप्रभु को बोले नहीं, क्योंकि सची मैया का जो हृदय है महान हृदय है। इसलिए हम कहते सची नंदन गौर हरि की जय। इसका मतलब है जब हम श्री महाप्रभु सची नंदन महाप्रभु का नाम लेते हैं, मतलब ये हमें कृपा करेंगे, महाप्रभु हमारे ऊपर में कृपा करेंगे, इसलिए हम इनका नाम लेते हैं। इसलिए हमारे भक्त विनोद ठाकुर एक सुंदर कीर्तन लिखते हैं, बोले दयाल नीताए चैतन्य भोले नाचरिया मार दयाल नीताए चैतन्य भोले नाचरिया मार नाचरिया मार महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का नाम लेकर के मेरा मन नाच उठे। बोले ऐसे क्यों कहते मेरा मन नाच उठे, कारण है कहते ए मन दयाल तो नहीं ये मार के प्रेम दी। कहते भगवान का तो बड़े बड़े अवतार हुए हैं ठाकुर जी की, जैसे भगवान राम आए, भगवान राम आए उन्होंने क्या किया, रावण थोड़ी सी उल्टा पुलटा किया तो ठाकुर ने क्या किया, धनुष उठा लिया, धनुष उठा करके लंका समेत खत्म पूरा। हमारे गोविंद देव भी आए, भगवान कृष्ण भी आए, अगर कोई उल्टा पुलटा किया तो हमारे गोविंद देव क्या कि उठाया चक्र, और चक्र उठा कर उन्होंने सबको उन्होंने मार डाले। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए ना, हैं चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने किसको जान से किसको भी नहीं मारे, किसी को भी महाप्रभु ने मारे नहीं। उन्होंने क्या किया, सभी का हृदय में उन्होंने प्रेम प्रदान किया।
क्योंकि जो महाप्रभु ये प्रेम पुरुषोत्तम श्री महाप्रभु बड़े दयालु बड़े कृपालु हुए। बोले भैया वही तो कृष्ण है ना, वही तो कृष्ण महाप्रभु रूप में आए, लेकिन इतने दयालु कैसे बन गए? बोले कारण है कलियुग में उन्होंने राधा रानी की भाव और अंग कांति लेकर उन्होंने जगत में आए। राधा रानी की भाव अंग कांति और जो राधा रानी है ये बड़ी दयालु है, राधा रानी बड़ी दयालु। इसलिए वृंदावन में जाओ ना आप देखना किसी को कृष्ण कृष्ण बोलते हुए कोई नहीं दिखता है। क्या बोलते हैं? राधे राधे। क्या बोलते हैं? राधे राधे। वृंदावन में सबके सब श्री राधा जी का, क्योंकि राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी दयालु। और कहते ना राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, कहते राधा जी का नाम लेते ही बिहारी अपनी आप भागते भागते आते हैं। इसलिए हम लोग जो ये हरे कृष्ण करते ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हम प्रथम क्या बोलते हरे हरे, अरे मतलब कृष्ण का मन को चित्त को जो अपना प्रेम से भक्ति से जो हर लेती हैं वो कौन है? ये श्रीमती राधा रानी। इसलिए पहले हम हरे कृष्ण बोले राधे कृष्ण राधे कृष्ण, इसलिए पहले हम राधा जी का नाम हम पहले ग्रहण करते हैं। इसलिए राधा रानी बड़ी दयालु, देखो ध्यान देकर सुनो राधा रानी कितने दयालु है। बोले एक समय ब्रज में अक्सर करके देखना जो संत लोग है वो माधुकरी करके जीविका निर्वाह करते, माधुकरी समझते हो, जैसे घर घर में जाकर रोटी सब्जी ले आए हैं ला करके खाए और दिन भर भगवान की नाम जप करते हैं। एक दिन क्या हुआ, जिस समय ठीक जिस समय वो माधुकरी करने जाएंगे ठीक उसी समय में काल बैसाखी आंधी तूफान बड़ी तेज बारिश आ गई। अभी सत्य लोग जाएंगे कैसे हैं, अभी घर से निकल नहीं पा रहे और माला लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी ठाकुर का नाम जप कर रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण गीता में क्या प्रतिज्ञा किया है, भगवान का प्रतिज्ञा किया है ठाकुर जी की, बोले अनन्नश्चिन्तयन्तमा यजनाः परजुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगाभ्यां भवति। भगवान की प्रतिज्ञा है। राधा रमण प्रभु अब बता सकते हो श्लोक का मीनिंग और वो जो एक लीला हुई थी बता सकते हो? तो तुम बताओ क्या नहीं बता सकते हो, हंस रहे हो क्या? हाँ बता सकते हो प्रभु जी हमारे। हाँ देखो ये भगवान ने, देखो इसको ध्यान देकर, कृष्ण गीता में ये प्रतिज्ञा किया है। भगवान कहते हैं अगर कोई व्यक्ति अनन्य, अनन्य मतलब होता है न अन्य, और कोई देवा देवी को उपासना नहीं करता है, एकनिष्ठ होकर के केवल मेरा ही चिंतन मेरा ही पूजा मेरा ही भक्ति मेरे भजन में जो हर समय डूबा रहता है मेरी भक्ति में है, एकमात्र एकनिष्ठ होकर के मेरी भक्ति पूजा करता है, भगवान कहते हैं उनके लिए मैं दो काम करता हूँ। कितना काम करता हूँ? दो काम। क्या करते हैं? पहला काम है उसको घर में जो चीज नहीं होगा मैं सर पर रखकर घर में पहुंचाता हूँ, भगवान कितने बड़े प्रतिज्ञा की। दूसरा काम किया उसको घर में जो चीज होगा मैं स्वयं एक चौकीदारी बनकर के उसको मैं रखवाली करता हूँ। मतलब भगवान कितने बड़े प्रतिज्ञा लिया है, हाँ भगवान कितने बड़े प्रतिज्ञा लिया है जो मेरे हर समय मेरे पूजा भक्ति पाठ में जो हर समय लगे रहते हैं उसके लिए मैं सारे काम मैं करता हूँ। हाँ अभी कोई एक ब्राह्मण था, हाँ अभी भगवान का ये प्रतिज्ञा है ठाकुर जी, ये प्रतिज्ञा ठाकुर जी की जो अनन्य रूप में भजन करता मैं करता हूँ, लेकिन ये बाबा लोग तो भगवान की भजन सेवा कुछ करते नहीं, दिन भर माला लेकर के भगवान की चिंतन भगवान की भक्ति उनकी पूजा पाठ में तो ये लगे हुए हैं। अभी फिर इनको कौन भोजन खिलाएगा, अभी तो ये भूखे में बैठे हैं, भूखे में भगवान का नाम ले रहे हैं। लेकिन जो राधा रानी ना वो माँ है, राधा रानी एक तरह से वो माँ, घर का रसोई कौन बनाती है? माताएं बनाती है ना, घर में कोई खाया नहीं खाया उसको चिंतन कौन करता है? बाबा करते हैं ना, माताएं करती हैं। बोलो जोर से, माताएं करती हैं। हैं घर में कोई खाया बेटा पति खाए कि नहीं खाए वो माँ सब चिंतन करती हैं। और राधा रानी तो बड़ी दयालु बड़ी कृपालु, अभी राधा रानी तो चिंता में पड़ गई, ये तो हमारी नाम ले रहे हैं अभी तो आंधी तूफान आ गई, ये तो बैठ बैठ कर हमारी भजन कर रहे हैं। इतने में
क्या हुआ, कृष्ण राधा रानी को पास में और राधा रानी कृष्ण को पास में अपना मैसेज भेजा था, आज हम दोनों इसी जगह पर मिलेंगी। अभी कृष्ण पहले आकर के बड़े सुंदर एक कुंज बनाए और कुंज बना करके बैठे हुए, आज मैं स्वयं श्री राधा रानी के लिए कुंज बनाऊंगा और राधा रानी आ जाएगी। लेकिन उन्होंने जो एक निर्दिष्ट समय दिया था ना, देखा वो कृष्ण आए नहीं, नहीं राधा रानी आई नहीं। अभी कृष्ण तो बड़े चंचल हो गए, कभी बाहर जा रहे कभी भीतर आ रहे कभी बाहर जा रहे, मतलब क्या हो गया भाई, आज राधा रानी क्यों नहीं आ रही, इतने इनकी लेट क्यों हो रहा है। अभी राधा रानी ने क्या की, रोटी बनाई, सब्जी बनाई, दाल बनाई, और जितने सब बाबा लोग जो भजन कर रहे थे ना, उनको घर घर में राधा रानी गई, सबको उन्होंने खाना खिलाया, खिला करके, और आते आते क्या हो गया, लेट हो गया। और कृष्ण तो जो राधा रानी की लेट को देख करके नाराज हो गए। इतने में जो राधा रानी आती हैं, इतने में कृष्ण तो मुंह फेर कर बैठ गए घूम करके, हैं मान कर दिया कृष्ण, बोले तुमने बताया था इतना बजा इतना लेट क्यों हुआ। इतने में राधा रानी कह रही हैं, भैया ये महापुरुष को क्या हो गया, ये कृष्ण आज क्यों मान किए। तब सखियां कहती हैं, मान नहीं करेंगे, बताओ तुम कितने बजे बोले थे आने के लिए, अभी घड़ी देखो कितना बज रहा है, आज इतना लेट क्यों हुआ। राधा रानी ने कहा, श्याम सुंदर आपको पता है आज क्या हुआ। बोले क्या हुआ, बोले गीता में तो आप ही ने तो प्रतिज्ञा की ना, अनन्य चिंतन तमाम जजनहा पर जुपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम जोगाख्यम बाहम्यम। आप ही गीता में प्रतिज्ञा किया है, जो अनन्य रूप में मेरी चिंतन करते हैं भजन करते हैं, जो घर में जो चीज नहीं हो मैं स्वयं घर में पहुंचाता हूँ, आप ही तो प्रतिज्ञा की, और जो चीज है मैं स्वयं रखवाल करता हूँ, आपने तो प्रतिज्ञा की। बोले हाँ। बोले आज क्या हुआ आपको पता है, आपका वृंदावन में जितने संत हैं, जो आपकी भरसा में आशा में जो भजन करने वाले, और जिस समय वो माधुरी करने जाएंगे भिक्षा करने, उस समय में बड़े आंधी तूफान आ गया तो घर में बैठे बैठ कर भजन कर रहे हैं, आज कोई भी भिक्षा के लिए नहीं जा पाए घर में बैठे हुए। लेकिन आप तो गीता में प्रतिज्ञा आपने तो किया ना, इसलिए आज मैंने अपना हाथों से रोटी सब्जी दाल बना करके मैंने घर घर में गई और सबको मैंने खिला करके आ रहे, इसलिए लेट हो गया। ए कृष्ण, इतना सुनते ही कृष्ण का हृदय तो गदगद हो गया, प्रेम में तो विभोर हो गए, राधा रानी के चरण में गिर पड़े। बोले हे राधे, तुम तो जगत का माँ हो, तुम तो जगत की माँ हो, प्रतिज्ञा तो मैंने की है लेकिन उसको पालना तो तुम करती हो, इसलिए मेरे अपराध हो गया। इसलिए भगवान इतना बड़ा प्रतिज्ञा लेते हैं ठाकुर जी, जो हर समय मेरे भजन भक्ति करता है उसके लिए मैं दायित्व तो लेता हूँ, घर में जो चीज नहीं होगा मैं स्वयं उसको घर में पहुंचाऊंगा। इतने बड़े ठाकुर जी ने ये प्रतिज्ञा ली है। आप लोगों ने हनुमान जी का नाम सुने होंगे, सब जानते हो हनुमान जी, आप बताओ तो हनुमान दिन भर क्या करते हैं, आप लोग बताओ हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं, राम का नाम करते हैं ना, हैं कहते ना रघुपति राघव राजा राम पति सारा दिन देखो केवल प्रभु का नाम और कुछ काम दम नहीं, राम सेवा और राम की नाम दिन भर रखते हैं। लेकिन हम जा करके हनुमान जी के चरण में प्रार्थना करते हैं, रिद्धि सिद्धि वैभव दुनिया धारी सब कुछ हनुमान कृपा से मिलता कि नहीं। हम हनुमान को बोलते ना, हनुमान जी क्या हनुमान कोई फैक्ट्री खोल कर बैठे
अब वो रुपया पैसा धन दौलत क्या हनुमान जी कोई फैक्ट्री बन कर खोल कर बैठे, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं फिर हनुमान जी किसकी बल पर ये सब चीज को देते हैं। कहते सुमिरी पवन सुत पावन नामो आप न बस करे राख राम, केवल एक ही काम करते हैं सुमिरी पवन सुत पावन नाम, केवल भगवान के पवित्र नाम को जप करते हैं उसकी बल पर उन्हें सभी का इच्छा पूरी करते हैं। आप लोग शंकर जी का नाम सब जानते हो, जानते कि नहीं शंकर जी के? आप बताओ हम शंकर जी के पास में जो कुछ मांगते हैं स्त्री पुत्र धन, क्या शंकर का कोई फैक्ट्री लगा हुआ है? देखो गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं शंकर जी किसकी बल पर दुनिया को सब कुछ देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं महामंत्र जय जप त महेश जी पंचमुह में ठाकुर जी के नाम ही जप करते हैं। इसी की प्रभाव से आप लोग को पता होगा काशी में लोग लास्ट जो अंतिम शरीर को त्याग देने जाते हैं, काशी में प्राण छोड़ने से वरदान को कभी नरक नहीं जाएगा, उसको मुक्ति हो जाएगी। लोग जो काशी जाते हैं अंतिम करवट लेने के लिए, वहां पर शंकर जी क्या करते हैं जो जाते हैं ना उनको कानों में ठाकुर जी का नाम सुना देते हैं, अंतिम समय में प्रभु का नाम सुना ठीक वैसे हमारी गति होगी, इसलिए अंतिम समय में भगवान के नाम को कान में सुनाते सबको मुक्ति प्रदान करते। आप लोगों ने गणेश जी का नाम जानते हो, जानते कि नहीं? सबसे पूजा इनकी होती है ना सबके, बोले क्यों इनकी पूजा सबसे क्यों पहले क्यों होती है? गोस्वामी जी कहते हैं एक समय सारे 33 करोड़ देवता की मीटिंग हुई, सबसे अग्र पूजा किसको होनी चाहिए, सबकी अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए? बोले देखो ये विश्व ब्रह्मांड को परिक्रमा करके जो पहले आ जाएगा ना उसका पूजा सबसे पहले होगी। अभी केवल भारत में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितना लड़ाई झगड़ा है, कितने पार्टी आपको बताऊंगा कितने पैसा खर्चा करते केवल भारत में प्राइम मिनिस्टर, बाद जो मुख्यमंत्री बनते हैं उनके लिए भी कितना पार्टी है, और ये 33 करोड़ देवता में सबसे पहला पूजा होगा ये कोई साधारण बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। घर घर में जिनकी पूजा होगी, अब प्राइम मिनिस्टर जैसे मोदी प्राइम मिनिस्टर अगली बार नहीं आएगा उसको कोई पूछेगा, फिर कोई पूछेगा उसको? कोई नहीं पूछेगा, केवल 5 साल के लिए सीट के लिए कितने लड़ाई कितना, लेकिन पूरा विश्व ब्रह्मांड में सबसे पूजा किसकी होगी कितनी बड़ी बात है। बोले जो पूरा विश्व ब्रह्मांड को परिक्रमा करके आ जाएगा, हे ब्रह्मा जी अपना हंस वाहन में उड़ चले, कार्तिक कौन सा वाहन है? मोर वाहन में, सबके सब अपना वाहन में उड़ चले। अभी गणेश जी सोच रहे भैया मैं कहाँ जाऊँ, गणेश जी का वाहन कौन है? चूहा। अब ये मुसी को लेकर कहाँ पर जाए? अभी तो गणेश जहाँ की तहाँ बैठे हुए, इतने में नारद जी आए, बोले क्या बात? बोले ऐसे ऐसे बात जो ये विश्व ब्रह्मांड को परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसको पहला अग्र पूजा उसको मिलेगा। बोले भैया मैं कहाँ जाऊँ? बोले एक काम करो, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का हम लोग की भजन सब जानते हो, हरि से बड़ा हरि का नाम, इसलिए बोले एक काम करो भगवान कृष्ण का नाम लिखो नहीं तो राम का नाम लिखो, क्योंकि भगवान के अंदर में विश्व ब्रह्मांड। अभी सुन रहे थे ना कृष्ण कैसे छोटी सी मुंह खोले तो विश्व ब्रह्मांड दिखा दिया है, इसलिए भगवान के अंदर में विश्व ब्रह्मांड है, लेकिन जो भगवान का नाम है हरि से बड़ा हरि का नाम है, इसलिए एक काम करो ठाकुर का नाम लिखो, कृष्ण नाम लिखो उसका तो 3 बार परिक्रमा कर ले। पता नहीं ये देवता लोग कितने दिनों में एक ब्रह्मांड को परिक्रमा करके आएंगे, तुम्हारी एक ब्रह्मांड नहीं ठाकुर जी के अंदर में अनंत करोड़ ब्रह्मांड है, जिनकी एक एक लोम कूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड विद्यमान। बोले तुम विश्व ब्रह्मांड को 3 बार तुम्हारी परिक्रमा होगी, अभी पता नहीं कितने दिनों के बाद में देवता लोग शरीर से पसीना पसीना बह रहा था सबके सब परिक्रमा करके आए, मीटिंग हुई, बोले बताओ सबसे पहले किसने परिक्रमा की? किसने कहा मैंने सबसे पहला है, किसने कहा तेने कैसा है तेरे से पहले मैं आ गया था,
किसने कहा तू मेरे को देखा नहीं तेरे में, अभी तो लड़ाई शुरू हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा पोस्ट है, अग्र पूजा किसकी होगी। इतने में गणेश जी ने बोले सब चुप रहो, तुम लोग तो एक ब्रह्मांड को पता नहीं कितने दिनों में परिक्रमा लगा करके आए हो। मैं अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को तीन बार मैंने परिक्रमा की, जितने देवता लोग तो ठाल लगा कर जोर जोर हंसे, जिसका मुसी के बहाने और इतना बड़ा पेट मोटा ही जहां के तहां बैठा हुआ और कहते अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को तीन तीन बार परिक्रमा लगी है। इतने में श्री नारद जी उन्होंने व्याख्या किया, बोले नहीं ये बात सही है, कारण किया इन्होंने ठाकुर का नाम को लिख करके उन्हें तीन बार परिक्रमा लगाया। हरि से बड़ा हरि था, गणेश जी की जयजयकार हो गई पूरा सबको बीच में। देखो स्वामी जी कहते हैं बोले माही माजा सो जा आना गणरा कहते महिमा जासु जान गणराउ, गणपति मतलब श्री गणेश जी, जिनकी महिमा को जान करके प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, सबसे पहले इनकी क्यों पूजा हो रही है, केवल ठाकुर के नाम की प्रभाव से। आप मीराबाई का नाम जानते हो, सब जानते हो कि नहीं, मीराबाई का एक दिन भर क्या करती थी, ठाकुर का नाम तो लेती थी, ठाकुर का नाम तो लेती थी सारा दिन ना। देखो जगत में तो बहुत सारी स्त्रियां हुए हैं, हम किसी स्त्री का नाम क्या लेते हैं, लेकिन मीरा को सबके सब याद किए। जगत में बहुत लोग हैं, ध्रुव प्रह्लाद को हम याद करते हैं, गणेश जी को तुलसीदास को याद करते, बोले क्यों, इन लोगों ने सबके सब ठाकुर जी की नाम को जप किया। अगर हम भी जीवन में ठाकुर का नाम जप करेंगे ना, देखना आप भी जगत में सबसे बड़े पद आपको मिलेगा अगर ठाकुर जी के नाम को जप करोगे, ठीक है ना। इसलिए देखो जीवन में जो कुछ करना कर लो, लेकिन जब शरीर छूटता है, जब चार व्यक्ति कंधे में ले जाते हैं, अब सुने वो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा, यही बोलते ना। बोले बेटा जितने प्रभु राम कृष्ण का नाम लिया ना, तेरे साथ में वही आ रहा है, इसके सिवाय तुमने जितने कमाया धमाया जो किया ना, एक सुई धागा भी तेरे साथ यहाँ पर नहीं जा रही। पत्नी जाएगी तो रो रो कर कहाँ तक जाएगी, दरवाजे तक जाएगी, उसको आगे पत्नी नहीं जाएगी। परिवार जाएंगे तो कहाँ तक जाएगी, बोलो शमशान तक जाएंगे, उसको आगे कोई जाएगा नहीं, उसको आगे क्या जाएगा साथ में। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम होंगे। इसलिए मीरा कहते पायो जी मैंने, बोले मेरे को जीवन में क्या पाया, मैंने जीवन में हमने क्या पाया है, बोले राम रतन धन पायो, जितने भगवान राम का नाम जप किया केवल यही मिला और जग में सब ही होवायो। बोले ये धन कैसे हैं, कभी धन कैसे हैं, बोले चोर नहीं लेवे
लुटे नहीं जावे दीन दीन बढ़त सभा। ये ऐसे के धने हैं जिसको चोर नहीं ले सकते हैं, जो लुटने वाले नहीं, जो फुटने वाले नहीं, जो धन हर समय केवल बढ़ती रहती है, वो धन कभी घटेगी नहीं, ये धन हर समय बढ़ते रहेगी। मानो हमारे गुरु जी कहते थे, मानो आज हमारे पास में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। कितना प्रॉपर्टी है? 100 करोड़। कितना प्रॉपर्टी? 1 अरब की। 100 करोड़ की। मानो आज हमारे शरीर छूट जाएगा, बताओ यहाँ से कितना धन जाएगा? हमारे साथ में कितना धन यहाँ से जाएगा? कितना धन जाएगा आपके पास में? तो जाएगा, यहाँ से कुछ भी नहीं जाएगा, सब के सब हम यही रख करके जाएंगे। लेकिन मीरा कहती हैं, ऐसे कौन सा धन है जिसको पति कमाएगा तो जिसको पत्नी नहीं ले सकती हैं, जिसको पत्नी कमाएगा तो जिसको पति नहीं ले सकता है, जिसको पिता माता कमाएगा तो जिसको बेटा भी नहीं ले सकता है। जो कमाएगा इसी जीवन में भी आप इसकी मालिक बनोगे और अगले जीवन में भी इसका मालिक आप ही मलोगे। मालिक नहीं, जितना आप कमा करके मरे ना उससे ज्यादा ब्याज समेत मिलेगी। कहती है कौन सा धन है? इसलिए मीरा कहती हैं, चोर नहीं लेवे, लूटे नहीं जावे, फूटे नहीं जावे, दीन दीन बढ़त सभाए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए ये भगवान के नाम धन। देखो ये चैतन्य महाप्रभु का आप सब नाम जानते होंगे ना, जानते चैतन्य महाप्रभु का। देखो एक दिन महाप्रभु ने शिक्षा दिया, एक दिन महाप्रभु को भक्त लोगों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन है। महाप्रभु बोले देखो मैं सबके घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले किसको घर में भोजन करते हो? बोले जो लखपति बनेगा। जो लखपति, आज से 5.5 साल पहले, लखपति मतलब है जिनको घर में 1 लाख सोने की मोहर हो, 1 लाख सोने की मोहर हो। भक्त लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु लाख की बात कर रहे हो, हमारे घर में 1000 रुपया भी नहीं। 1000 रुपया मतलब क्या? 1000 स्वर्ण मोहर। 1000 की बात, हमारे घर 100 रुपया तक भी नहीं। 100 रुपया मतलब क्या है? जिसको घर में 100 स्वर्ण मोहर हो वो तो 100 रुपया। लेकिन हमारे घर में आप कह रहे हो जो लखपति बनेगा उसको साथ में उसके घर में हम खाएंगे, क्या आज हमारे घर में आप भोजन नहीं करोगे? देखो भगवान सबको बैठा करके समझा रहे हैं। बोले जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन है? बोले जो रोजाना 1 लाख ठाकुर जी का नाम जप करते हैं वही असली लखपति है। कुछ दिन पहले आप लोग टीवी में देखे होंगे अमिताभ बच्चन का नाम सब जानते हो, जानते कि नहीं? अमिताभ बच्चन का कुछ दिन पहले आता था ना टीवी में, कौन बनेगा करोड़पति, आता ना कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा ना, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, आता था ना। देखो आज भगवान महाप्रभु कहते हैं कौन बनेगा लखपति। आप मेरे तरफ में देखो, आप लखपति कैसे बन सकते हो? देखो अच्छे तरह से देखो, ये जो माला है ना इसमें 108 मोती है, इसमें हैं, इसमें 108 मोती। जब हम ये माला जब करते हैं ये अंगुलू को हम बाहर निकाल कर रखते हैं, क्योंकि ये गंदा अंगुलू ये सबसे पहले निकलता है। तेरे को हम देख लेंगे क्या समझ रखे हो मेरे को है, ये सब समय ये अंगुलू सबसे पहले ये निकलता है, इसलिए ये अंगुलू को हम बाहर निकाल कर रखते हैं और उसको हम बीच वाले अंगुलों पर रख करके जैसे हरे कृष्ण सब आप मेरे साथ में बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 जब एक बार बोल करके एक मती को हम 100 सरकाते हैं, फिर दो बार दो मती को सरकाते हैं। देखो 1 लाख कैसे होता है, जैसे देखो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, कितना बार हो गया? 16 बार। जब एक बार नाम लिया 16 नाम हो गया, इसमें 108 मोती हैं। जब करते करते यहाँ जब समाप्त तो हो जाए इसको फिर ऊपर इसको पार नहीं करनी चाहिए, इधर से फिर घुमा देनी चाहिए, फिर इधर से करनी चाहिए। अगर हमने 16 माला ऐसे 16 राउंड कर लिया तो वो हिसाब से होता है 25,000। अगर हमने 64 माला कर लिया तो हो गया 1 लाख। ये भगवान खुद कहते हैं, बोले तुमने 1 लाख माला नहीं की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1 लाख रुपया फिक्स डिपोजिट हो गए। भगवान खुद कहते हैं, बोले भैया कुछ तो ब्याज मिलेगी ना, जैसे बैंक में पैसा कुछ ब्याज मिलेगी कि नहीं? ब्याज तो मिलनी चाहिए। कहते ब्याज कितने तुम्हें मिलेगी? बोले दीना दीना बढ़त सभा। ये मीरा कहती हैं
आज अगर 1 लाख ठाकुर का नाम किया कल कितना मिलेगा? 1.25 लाख। 4 दिन में 1 लाख, 2 लाख। 4 दिन में 2 लाख हो जाएगा 4 दिन में। मतलब ये धन इतने तेजी से बढ़ती है, लेकिन ये संसार का धन को है, संसार का धन को कमाते कमाते शरीर छूट गया, बताओ ये साथ में कितना जाएगा? ये धन यहीं के यहीं रह जाएगी। देखो हमारे गुरु जी कहते थे, अगर किसी व्यक्ति को बोला बुरा मत समझना, हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, अगर किसी व्यक्ति को बोला थोड़ा भगवान की भजन करो, बोले नहीं बच्चों के लिए थोड़ा पैसा कमा कर रखो ना, थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा पैसा कमा कर रख करके जाए। हमारे बड़े गुरु जी कहते थे बच्चे के लिए पैसा मत कमा कर रखो, किसकी बच्चे ज़्यादा बर्बाद होते हैं, शराबी जुआरी भगड़ी गजड़ी किसके बच्चा बनते हैं? जिसका पिता जितने पैसा बच्चे के लिए कमा कर गया, क्योंकि उसको तो पता नहीं पिता कितने पैसा कमा करके कितने परिश्रम से कमाए, तो बच्चों को पता नहीं चलता है ना। इसलिए गुरु जी कहते थे बच्चा अगर हो ना होगा तो कमा ही लेगा, अगर वो नालायक ही बनेगा ना, तुमने जितने पैसा उसके लिए कमा कर गए। कुछ लोग जो आईपीएल होता ना क्रिकेट, मेरे पास एक व्यक्ति आया था, बोले बाबा मैंने जिंदगी भर जितने पैसा कमा कर रखा था, बच्चे ने 5 मिनट में सारे पैसा को खत्म कर दिया। बोले 5 मिनट में कैसे? बोले करोड़ रुपया खर्च कर दिया, नष्ट कर दिया। बोले कैसे? कल 6 रहने रह गया उसमें, 6 रहने में दाव लगा दिया, अगर ये पार्टी जीतेगा तो हमें इतना मिलेगा, और बेटा हार गया तो 5 मिनट में करोड़ रुपया मैंने जो जिंदगी का जो पैसा कमा कर रखा सब गया। हाँ, इसलिए देखो शास्त्र कहता है ऐसे धन कमाओ जो इसी जीवन में भी तुम्हारी मालिक आप ही बनोगे और अगले जीवन में मालिक आप ही बनोगे। कौन सा धन है? भगवान के नाम धन है। देखो हमारे गुरु जी और एक बात बोलते थे, बुरा मत समझो, ये संतों का बात है। जैसे हमने जिंदगी भर पैसा कमाते कमाते 10 लाख 20 लाख नहीं तो 50 लाख 1 करोड़ हमने पैसा छोड़ कर गया, लेकिन 1 करोड़ तो तुम्हारी जो कमाने के लिए जो पैसा कमाया था तुम्हारे समय बर्बाद गया कि नहीं इसमें? क्योंकि तुम्हारे काम में तो लगा नहीं ना, तुम्हारे काम में पैसा, तुम्हारे काम में तो पैसा लगा नहीं, तुम्हारे काम में तो लगा नहीं, तो तुमने इतने पैसा कमाने के लिए जो इतना समय तुमने दिया है वो तुम्हारे समय बर्बाद गया कि नहीं तुम्हारे? बोले नहीं बच्चों के लिए कमा कर गया ना। देखो ये पुराण में कथा आती है, बोले एक समय कोई एक जोगी वो स्वर्ग में पहुंचा, देखा एक व्यक्ति बहुत दान पुण्य कर्म कमा करके स्वर्ग में आया, सोने के सिंहासन में बैठा हुआ, उनको अप्सरिया सेवा कर रही थी, लेकिन वो व्यक्ति बैठ बैठ कर रो रहा था, बेहोश हो रहा था। जोगी ने पूछा भैया तूने इतने अच्छे कर्म करके स्वर्ग में आया, क्यों रो रहे हो यहाँ पर? बोले मेरे से की गलती हो गई, पैसा मैंने कमाया दान दिया इसलिए आया। बोले फिर रो रहे क्यों? बोले मैंने जो पैसा छोड़ करके आया ना, वो बच्चे अभी वो बच्चे से पैसा से शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, गंजा पी रहे हैं, चूंकि मैंने ही वो पैसा कमा करके आया था, वो पैसा को बच्चे अभी दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसका पाप मेरे को स्वर्ग में भी नहीं छोड़ रहा है। इसका मतलब है अगर हमने पैसा कमा कर गए, अगर बच्चा अगर वो पैसा को बुरे काम में लगाया, अब स्वर्ग में भी जाओगे वो खैर नहीं, वहां भी दंड भोगना पड़ेगा। मतलब कर्म चक्र इतने गड़बड़ी है, इसलिए क्या करो समय हो तो असली भगवान के नाम धन कमाओ, जो धन अंतिम समय में जाएगा, इसी जीवन में भी शांति मिलेगी और अगले जीवन में भी शांति है। क्योंकि यही धन तो साथ में जाएगी ना। देखो इसमें 3 नाम है, हरे कृष्ण और राम। जैसे कहते ना हरे कृष्ण जोर से बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम और एक बार जोर करके बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हाँ देखो उसमें 3 नाम है, जैसे हरे कृष्ण और राम। हरे मतलब क्या है? जो हमारे दुख कष्ट को जो हर ले, इसलिए हरे मतलब हरे नाम लेते ही हम जो संसार में दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई दुखी दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। कहते जो हरे मतलब होता है, हरे मतलब होता है जो हरण कर ले हमारे पाप को, जो हरण कर ले इसलिए उसको कहते हैं हरे। कृष्ण मतलब क्या? बोले क्री मतलब होता है आकर्षण करना,
जैसे हमारा मन कभी कभी चंचल भटकता है इधर उधर, लेकिन क्री बोलते ही आपका मन भटकेगा नहीं, क्योंकि नाम क्री मतलब आकर्षण करना, खींचना है, इसलिए क्री बोलोगे तो आपका भटकते हुए मन नहीं भटकेगा। स्ना मतलब होता है जो आनंद देता है, और राम मतलब क्या है, जीवन में हमें जो आराम दे, जीवन में आराम और सुख शांति दे। अगर ये तीन नाम लेंगे ना, हरे मतलब क्या होगा, दुख कष्ट दूर जाएगा, कृष्ण मतलब चंचल मन भटकेगा नहीं, राम मतलब जीवन में आराम मिलेगा। ये तो साधारण अर्थ, विशेष अर्थ है हरे मतलब श्री राधा रानी, जो कृष्ण का मन प्राण चित्त को हरण करती है, कृष्ण मतलब कृष्ण, हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण है, राधे कृष्ण। अगर ये तीन नाम भगवान का हरे नाम करें क्या होगा, दुख कष्ट दूर जाएगा, जीवन में शांति और सुख मिलेगा। आप बोले अरे की ये हरे कृष्ण नाम करने से क्या, बेकार बात है सबके सब, नहीं, ये दुनिया पूरा पूरा शब्दों के ऊपर चलता है, सारा दुनिया शब्दों के ऊपर चलता है सारा दुनिया है। देखो जैसे कि प्रमाण है, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, ईश्वर, ईश्वर। देखो ये शब्द कैसे, क्या शब्द का कमाल क्या है, अगर हम बोले जो ईश्वर प्रभु जी बहुत हृदय से बड़े सरल आदमी है, सबको ऊपर भी दया करते हैं, हैं परोपकार करते हैं, हृदय बड़े कोमल इनका हृदय है, और ये बहुत अच्छे इंसान है, शब्द ही ना क्या होगा, बड़े खुश हो जाएंगे, बड़े खुश हो जाएंगे शब्द से। लेकिन ये महाभारत क्यों हुआ आपको पता है, केवल द्रौपदी एक शब्द केवल मुंह से निकल गई, अंधा का बेटा अंधा होता है, बस केवल इतनी सी बात केवल महाभारत का कारण है, सारे महाभारत का केवल जीवा स्लीप हो गया, संसार में भी देखना इसीलिए महाभारत हो जाता है, कुछ नहीं हुआ, मुंह से कैसे स्लीप कर गया, मुंह से एक पानी निकल गया, देखना घर में भाई भाई में, बहू बहू में, पड़ोसी पड़ोस में, पूरा महाभारत हो जाता है। दुनिया केवल शब्द का कमाल है, अगर ये साधारण शब्द अगर इतने महिमा हो सकती है, अगर ठाकुर का नाम में कितने शक्ति नहीं होगा, ठाकुर का नाम में कितने शक्ति नहीं होगा, इसलिए क्या करो, सबके सब भगवान की महामंत्र को जप करो, ठीक है ना, सबके सब कहना कल कर सो आज कर, और आज कर सो अब, इसलिए पल में प्रलय होगी, इसलिए देखना कोरोना में कितने लोग, कोरोना में कितने लोग चले गए, किसी को पता था, कभी कभी बोलते ना अरे हम क्या मर रहे हैं, अभी से भगवान का नाम जप करेंगे, कोई कोई लोग बोलते ना अभी बोल रहे कोरोना क्या एक और एक रूप क्या धारण किया है, कहते और भी भयंकर रूप किया धारण किया है, वो लंदन में आ गया ना अभी, लंदन में आ गया ना, कुछ कुछ ब्रिटेन में, अभी कहते धीरे धीरे भारत में भी धीरे धीरे। इसलिए क्या करो, जितने ये दुनिया जो संसार है ना, जिसने दुनिया बनाया खुद कह रहे हैं, कहते दुखा लयम असासतम, ये संसार दुख का घर है, संसार संसार जिसने बनाया खुद कह रहे ये दुख का घर है, इसलिए परम शांति कहाँ पर है, कृष्ण स्वयं कहते हैं जत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम, मेरे जो धाम गोलोक वृंदावन है, जहाँ जन्म नहीं, जहाँ मृत्यु नहीं, जहाँ कोई दुख कष्ट नहीं, मेरे धाम है। अभी वहाँ जाने के लिए टिकट चाहिए ना, वहाँ तो टिकट चाहिए, कहते वहाँ जाने के लिए टिकट किया है, बोले एक टिकट है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे एक टिकट है, वहां जाने के लिए केवल एक टिकट है। अगर ये टिकट आपने खरीद कर लिया ना, आपको कोई रोक नहीं सकता है, भगवान के धाम में जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए क्या करो, सबके सब भगवान की नाम का जप करो, भगवान का नाम में ही शांति और भगवान का नाम में ही सुख है, ठीक है। इसलिए आप लोग मेरे पीछे पीछे सबके सब बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Yeah.
भगवान का कीर्तन में ताली जरूर हो जानी चाहिए। क्या करनी चाहिए? ताली। ताली क्यों बजाए? देखो ये गोस्वामी तुलसीदास जी एक उदाहरण देते हैं। जैसे आप आंगन में गेहूं धान नहीं तो चावल को आपने सुखाने के लिए दिया, कोई चिड़िया चुग रहा है खा रहा है, उसको भगाने के लिए क्या करते हो? ताली बजाते हैं ना। ताली बजाते हुए चिड़िया भाग जाती है। इसलिए जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं कभी कभी ये पाप रूपी चिड़िया आकर सर में बैठ जाता है, लेकिन जब हम ताली बजाए क्या होगा? वो पाप रूपी चिड़िया भाग जाएगा। इसलिए ये कारण। इसका दूसरा कारण देखो सबसे ज्यादा महत्व है, जब हम संसार में बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, एक बाद में दुख एक के बाद में दुख एक, ये दुख किस तरह से जाता ही नहीं, हम क्या करते ज्योतिष के पास में, भैया थोड़ा हाल देख लो, तो किसी तरह से संसार का दुख जा ही नहीं रहा है, एक बाद में एक समस्या एक बाद में एक समस्या, क्या ज्योतिष आपका दुख दूर कर देगा? बल्कि बोलेगा ये स्टोन पहनो 1000 रुपया का 5000 रुपया का, बल्कि सारे के सारे पैसे आपसे हड़प लेगा, लेकिन वो आपकी दुख को दूर नहीं कर सकता है, हाँ दुख को दूर नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे दुख दूर कर सकते तो कौन कर सकते हैं? केवल भगवान कर सकते, ठाकुर कर सकते हैं, हैं ठाकुर ही हमारे दुख को दूर कर सकते, इसलिए उनका नाम ईश्वर है। ईश्वर मतलब क्या है? जो है को नहीं, नहीं को जो है कर सकते हैं, ठाकुर ही हमारे दुख को दूर कर सकते हैं, हैं। इसलिए जब हम भगवान की कीर्तन में ताली बजाए ना, हम कहते हैं ना भैया ताली बजा कर इनको स्वागत करो, बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पर ताली किसकी स्वागत में बजा रहे? ताली बोलो यहाँ पर किसकी स्वागत हो रही है? ठाकुर जी के स्वागत में ताली बजा रहे हो। अगर भगवान के स्वागत में ताली बजाओगे, अगर आपका भाग्य रेखा अगर उल्टा पुलटा हुआ होगा, उल्टा सुलटा अगर भाग्य रेखा होगा ना, भगवान का ताली बजाओ, भाग्य रेखा आपको बदल जाएगी, क्योंकि ठाकुर ही बदला सकते हैं। देखो मेरे तरफ में देखो, आपका भाग्य रेखा मैं बताता हूँ, माताओं के लिए बताइए उल्टा हाथ है, ये भाग्य रेखा है, जिसको ये रेखा जितना बढ़िया होगा ना उतना भाग्य अच्छा, और भाई लोगों के लिए ये भाग्य रेखा है, इसको कहते भाग्य। आप स्वयं देख सकते हो ये रेखा जिसको जितने ऊपर जाएगा 3 रेखा पार करके, उसका परमार्थ जगत में और साधारण जगत में ये ज्योतिष के हिसाब से ये इस हर तरह से आपकी भाग्य उजला उजला होगा, ये ज्योतिष का हिसाब से ये सीधा रेखा है। लेकिन आप लोग भगवान की कीर्तन में ताली बजाओ, ताली बजाने से पहले देख लो और ताली बजाने के बाद में देखना क्या होता है। हाँ देखो देखो ये बात है ना गुरु जी, ये गलत बात नहीं है। अगर आप घर में ज्यादा दुखी दुखी है ना, आप कहीं मत जाया करो, कहीं जाने का जरूरत नहीं, किसी ज्योतिष पति को मत जाया करो, आप ठाकुर को सामने बैठो, गोविंद देव को फटो को सामने बैठो और ताली बजाते हुए थोड़ा भगवान का कीर्तन कर लो, आप देख लेना आपका सारे भाग्य बदल जाएगी। भाग्य बदलाने वाले केवल ठाकुर, और कोई हमारी भाग्य नहीं बदला सकते, और ये एक कारण है। और देखो सबसे जो बढ़िया कारण है, आप लोगों को रामदेव बाबा का योगा देखे हो? रामदेव बाबा का कौन कौन रामदेव बाबा का योगा देखे हो? देखे होंगे, देखना वो क्या कहता है, यहाँ पर दबाओ कैंसर सही होगा, यहाँ डायबिटीज सही होगा, यहाँ दबाओ ये बीमारी सही होगा, ये आग की रोशनी बढ़ेगा, बताते ना। लेकिन आप जो ताली बजाते हो क्या होता है, सारे पैर से दबती है, सारे हाथ की पैर से दबती है। आप स्वयं करके अपना घर में देख लेना, थोड़ी सी ताली बजा लो पूरा शरीर में ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि जो आप लोग साइंस से बढ़े होंगे जितना नस है वो सबके सब हाथ और पैर में जुड़ा हुआ है, इसलिए आप ताली बजाने से सारे आपका नस सबके सब खुल जाएगी सबके सब, इसलिए बीमारी सब सही हो जाएगी। इसलिए ताली बजाने में बहुत लाभ है। क्या लाभ है? पहला लाभ पाप रुपया चिड़िया उड़ी जाएगी, भाग्य बदल जाएगी और तुम्हारी बीमारी भी सही हो जाएगी। इसलिए सबके सब जोर जोर से ताली बजाओ, और ताली बजाने से पहले देखना बाद में देखना, ठीक है? बोले हरे कृष्णा I'm gonna go get some more.
हाँ देखो जो ठाकुर जी का नाम सब ध्यान देकर सुनो, बताया जो भगवान का नाम है ये ठाकुर जी का नाम क्या है, बोले नाम चिंतामणि कृष्ण। देखो मैं जितनी कथा सुना रहा हूँ ना आप लोग सब याद कर लेना, आपका जो अड़ोसी पड़ोसी हैं सबको ये सब कथा सुनाओ। देखो जैसे हमारे क्या प्रभु का नाम है जगन्नाथ, और पहला का नाम क्या है जयप्रकाश। देखो इस चीज को ध्यान से सुनो, जैसे हमारे जयप्रकाश प्रभु जगन्नाथ प्रभु जी उन्होंने अकेले भगवान की भजन किया, भजन के द्वारा उन्होंने अड़ोसी पड़ोसी को भी भगवान की
भक्ति में लगा दिया। इसलिए हमारे प्रभुपाद कहते हैं अगर जो माया में जो भले भटकते जो जीव है अगर किसी तरह से उनको समझा बुझा करके केवल एक व्यक्ति को ठाकुर जी का भजन में लगा दो कितना लाभ होगा। उदाहरण दिया अगर कोई व्यक्ति करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल खोल दे, प्रभुपाद इतने बड़ी बात कहते हैं, एक हॉस्पिटल नहीं बोले करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल कोई खोल दे, करोड़ों करोड़ों स्कूल कॉलेज कोई खोल दे, करोड़ों करोड़ों कोई अन्न छत्र खोल दे, आपको जो पुण्य उसको द्वारा मिलेगा अगर एक व्यक्ति को अगर प्रभु का भजन में लगा दिया उससे अनंत करोड़ों गुण में आपको पुण्य मिलेगा। इतने बड़ी भारी बात कहते हैं अगर एक व्यक्ति को प्रभु का भजन में लगा दो। बोले भैया इतने कैसे लाभ हो जाए, देखो अगर किसको कपड़ा पहना दे दिया एक कपड़ा कब तक पहनेगा, 6 महीना 1 साल फट जाएगा। किसको खाना दे दो चार बाद में फिर भूख लगने लग जाएगा, किसको मेडिसिन दे दो फिर क्या फिर बीमारी होगा फिर बीमारी होगा। ये जगत का जितने आप उनको ट्रीटमेंट करोगे जो कुछ दोगे वो थोड़ी समय के लिए, लेकिन मन का बीमारी सही नहीं होगा, ये जन्म मृत्यु का बीमारी खत्म नहीं होगी। लेकिन जब एक व्यक्ति को आप प्रभु की भजन में लगा दिया ना, कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, ये स्वयं गोविंद देव कह रहे हैं बोले आप ब्रह्म भुवन लकात पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपतु तो कम तया पुनर्जन्म न विदते। गोविंद देव स्वयं कहते हैं आप पुण्य कर्म करके ब्रह्म लोक तक जा सकते हो लेकिन पुण्य खत्म होते फिर यहीं फिर जन्म मृत्यु का चक्कर में भटकोगे, लेकिन अगर मेरे पास में एक बार आ गए ना जत तत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने से कभी जीव पतन नहीं होता फिर माया के संसार में नहीं आता। स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम शाश्वत शांति परम आनंद प्राप्त करते हैं कैसे, केवल भगवान की भक्ति से, केवल प्रभु का भक्ति से। देखो एक छोटी सी स्टोरी सुनो, ध्यान देकर सुनो। जैसे एक समय एक पिता और बच्चा वो मेला देखने के लिए गए थे और मेला बड़े टहल चल था वहां पर हैं, और बच्चा छोटा बच्चा था वो पिता का हाथ पकड़ करके पिताजी उसको मेला में कहीं ड्रामा कहीं थिएटर कहीं नाटक हो रहा था, बच्चा बड़ा खुश होकर देख रहा था। लेकिन देखते देखते हठात क्या हुआ, पिताजी के हाथ से बच्चे का हाथ अलग हो गया। अलग हो गया तो अभी तो बच्चा रो रहे जोर जोर से, मेरे पापा जी का मेरे पिताजी का, वहां पर लोग सब इकट्ठे हो गए। बोले छोटा बच्चा कहीं पिताजी खो गए, कोई लड्डू दे दिया थोड़ी समय के लिए चुप, बोले मेरे पिताजी, कोई एक खिलौना दे दिया थोड़े समय के लिए चुप, बोले मेरे पिताजी पिताजी, किसी ने उसको एक मिठाई दे दिया चुप, मेरे पिताजी पिताजी। एक व्यक्ति ने देखा भैया जब तक इसको पिताजी को ढूंढ करके नहीं लाओ ना, भले तुम जो कुछ दे दो इसका परमानेंट सोल्यूशन होने वाले नहीं, उसको ढूंढो उसको पिताजी कहाँ है। वो मेला में ढूंढा ढूंढते ढूंढते देखा सचमुच से एक व्यक्ति पागल होकर के सबसे पूछ रहा है मेरे को छोटा बच्चा कहीं खो गया, कहीं देखे हो। बोले हाँ हमने देखा वहां पर नील रंग का कुर्ता पहना कर छोटा बच्चा। बोले हाँ वही बच्चा। बोले कहाँ पर? बोले वहां पर। जब उसको ले आकर बोले ये तुम्हारे पिताजी है? बोले हाँ। बोले ये तेरे बेटा? बोले हाँ। बस बच्चा खुश। देखो ये चीज को समझो, हम भी ठीक ये संसार के मेला है, लेकिन ये बच्चा कब तक मेला का आनंद ले रहा था? जब तक अपना पिताजी का हाथ पकड़ कर रखा था तब तक वो मेला के आनंद ले रहा था। लेकिन वही मेला वही सब कुछ, लेकिन जब पिताजी से अलग हो गया ना, उसने जब पिताजी से अलग हो गया मेला अभी उसका आनंद नहीं दे रहा है, वही मेला में भी रो रहा है, वही मेला में भी वो रो रहा है, मेला भी आनंद नहीं दे रहा है। क्यों? वो पिताजी से अलग हो गया है। अभी कोई लड्डू दे दिया थोड़ी समय के लिए चुप फिर रोना, किसी ने खिलौना दे दिया चुप फिर रोना, किसी ने मिठाई दे दिया चुप फिर रोना। क्या उसी तरह इसी संसार में भी हम भी सुख पाने के लिए सोचते हैं शायद पढ़ाई लिखाई में सुख मिलेगा, सुख मिला ही नहीं। शायद नौकरी करने से सुख मिलेगा, मिला ही नहीं। शायद शादी करने पर सुख मिलेगा, मिला ही नहीं। शायद बच्चे जन्म देने पर सुख मिलेगा, मिला ही नहीं। बच्चे बात नहीं सुनते, बहू जब से आ गए पता नहीं ऐसे क्या मंत्र दिया एक रात में बेटा का बुद्धि खराब कर दिया है। हम कर रहे हैं सुख पाने के लिए, सुख हमें संसार में नहीं मिल रहा। बोले क्यों नहीं मिल रहा है? चूंकि असली पिता से हम बिछड़े हुए, असली पिता से हम बिछड़ गए। यद्यपि उसको कोई मिठाई कोई खिलौना दे रहा था, लेकिन उसको सबसे ज्यादा उसको पर कृपा किसने की है, सबसे बड़ी कृपा किसने किया है, दान किसने किया, जिसने उसको पिताजी को ढूंढ करके ला दिया। बास पिता अथा संपत्ति का मालिक, अगर पिताजी को साथ में अगर मिल गया तो हमारे पिता कौन है? गोविंद देव स्वयं, जो ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह
अनादि आदि गोविंद सर्व का ये हमारे पिता अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक, हम उसको बच्चे हैं, हम अमृतस्य पुत्र है, अमृत का हम पुत्र हैं, लेकिन उसको भूलने का वजह से सारे दुख कष्ट है। इसलिए जगत में बड़े बड़े दया कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े दया जो भक्ति की दान दिया, जो भगवान की भक्ति में हमें लगा करके श्री गोविंद देव के साथ में हमें मिला दिया, उसकी दया सर्वश्रेष्ठ दया। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है जो यहाँ अड़ोसी पड़ोसी से आए हो सब के सब, अपना जैसे हमारे श्री जगदीश प्रभु ने अपना घर को क्या किया, भगवान की मंदिर बना दिया। देखना यहाँ पर कैसे ठाकुर जी का फोटो है, लेकिन हमारे घर में सारे हीरो हीरोइन का पिक्चर मिलेगा। देखो गंदे व्यक्ति का पिक्चर घर में नहीं रखनी चाहिए। कभी कभी तो लोग पकेट में उसका पिक्चर, हीरो हीरोइन का पकेट में पिक्चर रखते हैं, नहीं, ये चरित्रहीनों का, ये चरित्रहीन व्यक्तियों का फोटो घर में नहीं रखनी चाहिए। इनको देखने से अपना चरित्र भी भ्रष्ट होता है, इसलिए चरित्रवान का फोटो रखो, जिसको देखने से अपना चरित्र बनेगा। हैं, जैसे व्यक्ति का संग करके देखोगे तुम्हारी, हमारा दुनिया अभी क्यों भ्रष्ट हो रहा है, हम अपना जो लक्ष्य करते हैं कि हीरो हीरोइन हम बनाए थे। अरे हीरो बनना तो हनुमान जैसे हीरो बना ना, हीरोइन बनना तो हमारे से मीरा जैसे हीरोइन बना ना। देखो सारा दुनिया के लिए हैं, सारा दुनिया में चमचमा रहोगे। 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे, 10-20 साल पहले, अब इसका कोई नाम दुनिया में कोई है क्या? हनुमान जी कब आए? करोड़ों साल पहले आए। मीरा कब आए? कितने साल पहले आए। देखो उनका नाम उज्ज्वला हो रहे हैं। इसलिए हीरो बनना तो किसके, कैसे हीरो बनाओ? हनुमान जैसे, ध्रुव प्रहलाद जैसे हीरो बनो, तुलसीदास जैसे हीरो बनो, ठीक है ना? हीरोइन बनना तो गोपियां जैसे हीरोइन बनो, फिर दुनिया में तुम्हारी नाम उज्ज्वला होते रहेगा, ठीक है ना? इसलिए भगवान की, हाँ, इसलिए सबसे बड़े दया हमको जो भगवान की दया में लगाए, ठाकुर जी की भक्ति में लगाया। इसलिए आप लोग कोशिश करना आपका हर घर घर ऐसे भगवान की मंदिर हो जाए, जिस घर में ठाकुर का नाम कीर्तन भजन होता है वो घर नहीं, वो भगवान का धाम है, भगवान की धाम वो घर है। इसलिए आप लोग कोशिश करो अपना हर घर को एक भगवान की मंदिर का रूप देने के लिए कोशिश करो, जैसे आपका घर भगवान की मंदिर हो जाए। बोले श्री वृंदावन बिहारी गौर ब्रह्मानंदी, हमारी ये प्रभु जी की इच्छा है सबके सब घर खड़े होकर के थोड़ी सी भगवान का कीर्तन उतना नाचे। प्रभु जी घर नीचे टूटेगा नहीं तो, इतने इतना भक्त लोग घर में नाचे नहीं टूटेंगे। हरे कृष्ण, पकड़ो हमारे सुंदर को बल्कि कहाँ गए, वो तो दिखे नहीं सुंदर, हाँ कहाँ गए, और भी क्लास है। हाँ सब देखो, भगवान का कीर्तन में नाचने से ये संसार का नाचना हमारी बंद हो जाएगी। ठाकुर जी के कीर्तन में एक बार नाच लो, दुनिया में किसको सामने फिर नाचने का जरूरत नहीं। हम कभी कभी स्त्री को सामने नाचते हैं, कोई पत्नी को सामने नाचता है, कोई पैसा को सामने, हैं? नहीं तो ये 84 लाख के जन्म में हम नाच ही रहे हैं। अगर ठाकुर का कीर्तन में नाचो सारे नाचना हमारी बंद हो जाएगी, ठीक है? बोले श्री कृष्ण जय
जिसका सीधा डायरेक्ट समझ नरक में कहीं नहीं है ना, तो कहां जाएगा, नरक जाएगा पीपा के उल्टा इधर फिल्म का इधर ठाकुर का भजन देखो, ठाकुर का कीर्तन में नाचने का कितना पुण्य, पद्म पुराण की कथा है। कहते कार्तिक महीना में किसी भक्त ने गोविंद देव को घर में दिया जलाया, जब दिया जलाया वो दिया धीरे धीरे बुझते जा रहा था, एक चूहा ने वो तेल पीने का लोक में आ गया, जब वो चूहा तेल पी रहा था उसको दांत में लग गई बत्ती, बत्ती लगते वो पीछे हटा, पीछे हटते को दिया जो बुझने जा रहा था क्या हो गया तेज दिया, और उसको मुंह में बड़ी आग लग गई, दो चार बार चूहा ने छलांग लगाई। देखो हमारे गोविंद देव गोपीनाथ कितने दयालु कितने कृपालु ठाकुर जी है, ठाकुर जी भले कार्तिक का महीना और ये दिया बुझने जा रहा था, उसने क्या किया चूहा ने दिया तेज कर दी और मेरे सामने दो चार बार छलांग लगाई ना, माने मेरे सामने उसने नृत्य किया, उसका फल क्या हुआ पता है, पुराण कहता है अगले जीवन में राजा की बेटी राजकुमारी बनकर उसने जन्म ली चूहा ने, क्योंकि भगवान को कार्तिक महीना में दिया देने का पुण्य मिल गया, उसकी हृदय में गोविंद देव का प्रति प्रेम भक्ति रहा और ठाकुर की भक्ति करते करते ठाकुर जी अपना गोलोक वृंदावन में अपना सखी अपना पटरानी ठाकुर जी बना दिया गोविंद देव। ठाकुर जी इतने दयालु इतने कृपालु, इसलिए अगर भगवान की कृपा में थोड़ा नाच लो ना, एक चूहा अगर नाचा तो इतना जगह पुण्य हो सकता है, हम तो इंसान है, हम भी इंसान है, अगर ठाकुर का सामने नृत्य कर तो सोच नहीं सकते इसका कितना पुण्य है, इसकी कितने महत्व है, ठीक है ना, कम से कम सब थोड़ी सी ठुमक लगा के बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कोई नाच एक बार ठीक है ना, पहले बता चूहा ने जो छान लगा दिया भगवान का नाम कितना आनंद देख रहे हैं ना, यहाँ से जाते ही ना संसार के सारे दुख भूल जाएगा, जब तक यहाँ पर तब तक आनंद ही आनंद है ठीक है ना, भगवान का कीर्तन ठाकुर में जगह ठीक है। और एक बात गुरु महाराज की।